हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीकेएस कार ब्लॉग में। और दोस्तों आज हमारे पास है एक माइक्रो एसयूवी गाड़ी जो कि है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। ये दोस्तों आपका है VXI CNG वेरिएंट आपके सामने है। देखिए CNG वेरिएंट की भी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है क्योंकि लोगों को चाहिए सबसे ज्यादा माइलेज और एसयूवी लुक भी चाहिए इस टाइम पे। तो वो दोस्तों आपको ये जो माइक्रो एसयूवी है एस्प्रेसो ये फुलफिल कर देती है आपकी रिक्वायरमेंट को। तो दोस्तों आज इस गाड़ी के बारे में जानेंगे, फीचर्स क्या क्या मिलते हैं सारे कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी के फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है गाड़ी में 1 लीटर का इंजन आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाता है और इसमें आप देखेंगे CNG में माइलेज सबसे ज्यादा आपको 32 किलोमीटर पर KG का माइलेज दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा और SUV लुक की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको यहाँ पर फुलफिल हो जाती है इस एस्प्रेसो से। दोस्तों 7 कलर ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं गाड़ी में, तो वो आप लोग कलर भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और रही बात इसके पावर की, तो 55 BHP की पावर है और आपका 82 Nm का टॉर्क इसमें दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं गाड़ी के बारे में क्या क्या आपको यहाँ पर मिल जाता है और प्राइस भी इसकी बात कर लेते हैं। तो 6,89,000 इसका प्राइस है, ऑन रोड आपको मिलता है KTL शोरूम अकबरपुर में। चलिए देखते हैं गाड़ी को कैसी है। तो ये है देखिए एक्सटर्नल व्यू है गाड़ी का, आपको सामने यहाँ पर देखने को मिलता है और ये हमारे सामने जो कलर है ये है आपका सिल्वर कलर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें देखते हैं लुक में कैसा लुक आ जाता है फ्रंट से। तो फ्रंट से ही देखिए आपको ब्रेजा जैसा लुक है वो सेम आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो SUV लुक है आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए फ्रंट में ग्रिल आती है वो आपको मिलती है, यहाँ पर ब्लैक फिनिश है और सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेडलैम्प्स है वो भी हेलोजन में मिलेंगे, लो बीम का बल्ब भी हेलोजन मिलता है, टर्न इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है हेलोजन बल्ब के साथ में। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉग लाइट का जो ऑप्शन वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ पर देखिए बॉडी में ही मिलता है, वो आप लोग एक्सटर्नली करवा सकते हैं इसमें। और यहाँ देखते हैं बम्पर है ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। और इसके बाद आता है इस गाड़ी का जो साइड व्यू है वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे जो साइड व्यू है पूरा आपको SUV लुक ब्रेजा वाला लुक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है गाड़ी में। और ये आता है साइड प्रोफाइल यहाँ पर, तो देखेंगे गाड़ी बहुत ही प्यारी सी लगती है SUV लुक में मिलती है। और साइड में आपको देखिए फेंडर में यहाँ पर मिल जाता है टर्न इंडिकेटर है, ORVM आपको ब्लैक फिनिश मिलते हैं और डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पर ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं। इसके बाद आते हैं व्हील्स हैं, तो व्हील्स आपको नॉर्मल व्हील्स हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको दोस्तों मिलता है ड्रम ब्रेक्स। और यहाँ पर व्हील साइज की बात करते हैं तो 14 इंचेस के व्हील आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आप लोग गाड़ी को दिखाते हैं बैक में कैसा लुक आता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है फ्यूल लिड जिसमें आपको 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों मिलती है फ्यूल लिड जिसमें आपको 32 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। और अब आता है गाड़ी का रियर लुक, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर रियर लुक आपको ये मिल जाता है, प्यारा सा डिजाइन आपको यहाँ पर मिलता है। और बैक में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलता है सबसे पहले एस्प्रेसो की क्रोम फिनिश में बैजिंग मिलती है, सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो मिलता है, यहाँ पे आपको स्टॉप लाइट मिलेगी जो कि हेलोजन बल्ब के साथ में मिलेगी, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर रिवर्स पार्किंग की लाइट यहाँ पर है, रिफ्लेक्टर आपको मिलते हैं और सेंसर आपको 2 यहाँ पर बम्पर में बैक में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो बूट ओपनिंग है दोस्तों, तो इसके लिए आपको की से ओपनिंग करनी होगी। ग्लास यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्लेन में मिलता है और यहाँ पर आपको देखिए हाई माउंटेड स्टॉप लाइट है, यहाँ पर रूफ का डिजाइन आप लोग देख सकते हैं तो ये आपको मिल जाता है। तो आप चलते हैं दोस्तों ड्राइवर साइड और यहाँ देखेंगे इंटीरियर में क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है, इसके बाद हम दिखाएंगे आपको बूट स्पेस भी गाड़ी में कैसा आपको मिलेगा। तो ये है दोस्तों देखिए इसका पूरा लुक जो आपको मिलता है, यहाँ पर देख पाएंगे ब्लैक फिनिश है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, डोर का व्यू पूरा कंप्लीट ब्लैक आपको मिल जाता है जो कि आजकल की SUVs में मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टेक्चर्ड का डिजाइन आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है, ORVM मैनुअली फोल्डेबल है। इसके बाद अनलॉक की बटन ब्लैक फिनिश में है, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है और ये देखेंगे पूरा ब्लैक में मिलेगा। यहाँ पर भी आपको वाटर स्टोरेज फाइल स्टोरेज है और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है स्पीकर, आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं। और इसके बाद आता है ये इंटीरियर का व्यू है, तो यहाँ से देख सकते हैं इंटीरियर में आपको देखिए ये है फैब्रिक अच्छा खासा आपको मिलता है, सीट्स में सॉफ्ट में सीट मिलती है, हेडरेस्ट लेकिन जो है वो आपको दोस्तों यहाँ पर फिक्स में मिल जाएंगे। और ये आता है सीट फोल्डिंग का बटन आपको मिलता है। और ये आएगी इंटीरियर की बात, तो यहाँ पर बैठने के बाद देखते हैं आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ एक चीज दिखाते हैं, तो ये देखिए आपका दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है ये बूट ओपनिंग का बटन, इसको ओपन कर देते हैं अभी चल के आपको दिखाएंगे बूट स्पेस वगैरह कैसा है बैक का वो भी दिखाते हैं। तो इंटीरियर में बैठने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो आगे की विंडोज है वो आपको मिलती है पावर विंडोज, यहाँ देख सकते हैं ये है दोनों साइड आपको मिलती है। और बाकी बैक वाली जो है वो आपको मैनुअल मिलेंगी, वो आपको चल के दिखाएंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ देखते हैं स्टेयरिंग कॉलम है, तो ये आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाता है।
यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर कोई आपको वो नहीं है, एडजस्टेबल स्टेयरिंग आपको नहीं मिलती है, टिल्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, कीज लेकिन जो है आपको एक मैनुअल है, एक आपको पावर कीज यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद जो यहाँ पर डैशबोर्ड का डिजाइन टेक्सचर्ड में आपको वर्क मिल जाएगा, और एसी के वेंट्स हैं तो आपको नॉर्मल ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद यहाँ देखेंगे तो सीएनजी और पेट्रोल मोड चेंजिंग का बटन आपको मिलता है, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह का बटन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और ये आता है देखिए लाइट्स, जो आपके हेडलाइट्स हैं उनको एडजस्ट करने का बटन है, यहाँ पर छोटा सा स्पेस है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये आता है दोस्तों डैशबोर्ड, पूरा आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। सामने आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें डिजिटली आपको स्पीड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पर आपको ट्रिप डिस्टेंस इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों, इससे रीसेट कर सकते हैं। ये आपका म्यूजिक सिस्टम मिलता है, और यहाँ पर आपको यूएसबी पॉइंट है, ऑक्स केबल का भी आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इसको मोड मिल जाते हैं। ये आपको देखिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको बटन्स मैनुअल मिल जाते हैं, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट का है, बाकी मेन्यू डिस्प्ले मोड आपको मिल जाते हैं, वॉल्यूम फाइल वॉल्यूम कंट्रोल है, यहाँ पर पावर विंडोज के बटन है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, पार्किंग लाइट की बटन यहाँ मिलती है, और ये हैं आपके एसी कंट्रोल मोड्स दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो चार्जिंग के लिए हमें मिल जाता है 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट है। उसके बाद यहाँ पे डमी पॉइंट है, ये मोबाइल के स्टोरेज है, दो कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलते हैं, और ये आपको मिल जाता है 5 गियर बॉक्स यहाँ पर मिलते हैं, लेदर का कवर यहाँ पर आपको मिलेगा, हैंडब्रेक है, ब्लैक फिनिश बटन के साथ में आपको मिलता है। और यहाँ देखेंगे कि आपको ये स्पोर्टी लुक मिलता है और इसके बाद यहाँ पर छोटा सा ग्लव बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है। और गाड़ी में दोस्तों आपको दो एयरबैग यहाँ पर मिलते हैं, जो कि ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको मिलेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर दिखाते हैं अपर साइड में ड्राइवर साइड के, तो यहाँ पर देखेंगे आपको सनवाइजर मिल जाता है, और को ड्राइवर साइड में सनवाइजर जो कि नॉर्मल प्लेन में आपको मिलते हैं, और यहाँ पर फिक्स्ड में ग्रैब हैंडल है। इस जगह मिड में एक देखिए लैंप लाइट हैलोजन बल्ब के साथ में मिलती है, IRVM आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाएगा दोस्तों। तो ये पूरा जो इंटीरियर है यहाँ पे एस्प्रेसो का आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं एक माइक्रो SUV गाड़ी लेना मारुति की तो वो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए बैक वाली सीट का व्यू आपको दिखाते हैं एक बार, वहाँ पे स्पेस कितना है वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पर देखिएगा ये आता है बैक वाली सीट है, और ये आपको कंप्लीट, ये भी आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीट ब्लैक है, और यहाँ पर आपको ये मिल जाता है प्लेन में ब्लैक फिनिश इतना मिलता है। अनलॉक की बटन ब्लैक फिनिश में मिलती है, ग्रैब हैंडल है ब्लैक पूरा है, और ये मैनुअली देखिए आपको विंडो कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद वाटर स्टोरेज वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीट्स देखते हैं तो सीट्स में आपको अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। और ये वाली जो सीट्स हैं इनका देखिएगा व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपको बनाया जाता है, बिल्ट है। और ये आते हैं दो हेडरेस्ट आपको मिलेंगे सॉफ्ट में, जो कि फिक्स्ड में रहते हैं बैक वाली सीट में, और बैठेंगे तो देखें यहाँ पर स्पेस की भी आपको कमी कोई महसूस नहीं होगी दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा कि कमी है, यहाँ पर लेगरूम बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये है अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। ये आता है इंटीरियर गाड़ी का, ये भी बहुत ही प्यारा सा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्यारे लुक के साथ में आपको यहाँ पर मिल रहा है। और अब चलते हैं दोस्तों, आपको दिखा देते हैं एक बार गाड़ी का बूट स्पेस या बैक वाला व्यू, किसी CNG टैंक के बाद में स्पेस हमें कितना मिलेगा, कैसा लुक आएगा। तो हमने टेलगेट को ओपन कर दिया है, और इस यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं बस इस तरीके से मैनुअली, और ये आपको व्यू मिलता है बैक में। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा आता है एक टैंक मिल जाएगा, और इसमें आपको CNG फिलअप होती है। इसके बाद स्टपनी जो है इसके नीचे यहाँ पर आपको मिलती है, और स्पेस तो आप देखिए नहीं मिलता है यहाँ पर, बाकी जो अगर आप लोग आगे ड्राइव कर रहे हैं बैक में कोई नहीं है तो यहाँ से सीट फोल्ड करके बूट बना सकते हैं, बाकी और भी आपको स्पेस यहाँ पर कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पूरा क्लोज्ड में आपको व्यू मिलेगा, और ये आता है पूरा लुक गाड़ी का। तो इसको हम लुक करते हैं क्लोज, और ये दोस्तों देखिए आपकी गाड़ी हो जाती है क्लोज, इसका व्यू आपको मिल जाता है। और एक बार एक्सटीरियर व्यू भी दिखा देते हैं कैसा आपको देखने को मिलेगा जब आप गाड़ी लेंगे, तो इसका रोड प्रेजेंस है वो कैसी आपको देखने को मिलती है। तो ये है देखिए आपका लुक मिल जाता है, जिसे मिनी ब्रेजा हम कहते हैं, और आपको जो चाहे आप इसको कह सकते हैं। तो ये है दोस्तों गाड़ी का व्यू आपके सामने है, आपको कैसी लगती है ये एस्प्रेसो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। और एक चीज दोस्तों सोच जाती है यहाँ पर, ये जो आपका देख सकते हैं रनिंग बोर्ड आपको यहाँ पर फाइबर में ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।